हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबको मेरी एक न्यू व्लॉग में स्वागत है। देखिए मॉर्निंग का टाइम है और मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और हस्बैंड अभी तक तो गांव में है और आए नहीं है, तो बच्चों के लिए मैंने ऐसे सिंपल सा बेबी पैनकेक बना रही हूँ और मैं नहाई नहीं हूँ, पहले ब्रेकफास्ट बना दूँगी। बुबू उठ गया है, वो ब्रेकफास्ट करके उसका पढ़ाई करेगा, तो इसलिए मैं पहले बना देती हूँ उसके लिए ब्रेकफास्ट, इसके बाद मैं नहाऊँगी। तो मैंने ये आटा मैदा सूजी ले लिया है और सारे वेजिटेबल उसमें कट करके डाल दी हूँ और उसमें थोड़ा सा सोडा नमक और तेल डाल के उसका बैटर बना लिया है और उसका बेबी पैनकेक बना लिया है, तो इसको मैं बच्चों को सर्व कर देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आप सबको मेरी एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज फरवरी 17 है, हस्बैंड अभी गांव पे ही है, अभी तक आए नहीं, मतलब आज रहेंगे उधर। कल जो व्रत पनयन होगा, उनका थ्रेड सेरेमनी होगा, उधर अटेंड करके घर आएंगे। तो अभी मैंने सुबह से नहा लिया है और जा रही हूँ, पूजा करूँगी। तो बच्चे उठ गए हैं और बुबू उसका पढ़ाई कर रहा है और कृष्णा इधर उधर हो रहा है। बच्चों को ब्रेकफास्ट देने के बाद मैंने नहा लिया है और इधर देखिए बेड वगैरह मैंने कुछ ठीक नहीं किया था क्योंकि कृष्णा सो रहा था थोड़ी देर तक, तो बुबू सिर्फ एक अकेले उठ गया था, तो अभी दोनों तो उठ गए हैं। बुबू उठ के उसका पढ़ाई कर रहा है, कृष्णा उधर कृष्णा खेल रहा है, तो मैं इधर आ गई हूँ बेड ठीक करने के लिए। और पूरा बेड का हालत पूरा ख़राब हो गया था ऐसे, अभी तो मॉर्निंग से ठीक कर लेते हैं एक बार, फिर ऐसे दिन भर चलते रहेगा, फिर दोपहर को जब तक सोने के लिए आएंगे फिर से ठीक करना पड़ेगा, तो यही चलता रहता है। और हस्बैंड गांव पे है तो देखिए मैंने बच्चों के लिए कैसे सादा सादा खाना बनाती हूँ, मतलब उसमें कोई मसाला वगैरह नहीं डालती हूँ। आज भी मैंने ब्रेकफास्ट में बेबी पैनकेक्स बना दिए हैं और जो बच्चों को बहुत पसंद है, पर उसमें कोई ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं था, सब एक पॉट में डाल के उसका बैटर बना के बना लिया था। तो ऐसे वाला जो चीज़ होता है नॉर्मल वाला, वो हस्बैंड को इतने पसंद नहीं होते हैं, उनको थोड़ा मसालेदार चीज़ पसंद होता है, तो मैं वही बोल रही थी कि घर के मुखिया नहीं होते हैं तो बच्चों को देखिए कैसे खाना मिलता है। और ये हो गया मेरे बेड तो पूरा ठीक, और मैंने अभी तक पूजा नहीं किया है, पूजा करूँगी फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। पूरा बेड को ठीक कर लिया है मैंने और मैंने मॉर्निंग में सिर्फ एक बार थोड़ा सा ऐसे ऊपर से रफली झाड़ू कर लिया था, अभी थोड़ी सी झाड़ू कर लेती हूँ। बेड तो अभी लगाए तो थोड़े गंदगी, देखो ये केले वगैरह खाए थे बच्चे ने बेड में, गिराते हैं बच्चे छोटे होते हैं तो गिराते रहते हैं। अब कर रही हूँ मैं मॉर्निंग का पूजा। पूजा तो हर घर में होता है और हमारा इधर तो हर लोग करते हैं, सुबह है शाम को मॉर्निंग का पूजा होता है, शाम का पूजा होता है। तो मैं मुझे तो इतना सब कुछ अच्छे से नहीं आता है, मुझे जैसे आता है वैसे नॉर्मली मैं भगवान जी का पूजा कर लेती हूँ सुबह, और शाम को थोड़ी उनका अगरबत्ती कर लेती हूँ, तो ऐसे ही होता है। तो इधर भगवान का पूजा करने के बाद मैं करूँगी मेरी ब्रेकफास्ट। पूजा करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब लंच की तैयारी हो रही है। लौकी का सब्ज़ी बनाऊंगी और ये लौकी बहुत सॉफ्ट है, देखिए बिल्कुल अच्छा लगेगा इसका सब्ज़ी, तो चना डाल के साथ मिक्स करके इसका सब्ज़ी बनाएंगे। और हस्बैंड को लौकी का ऐसे नॉर्मल वाला सब्ज़ी पसंद नहीं होता है, उनको कोफ्ता या ऐसे कुछ पसंद होता है, तो वो तो नहीं है, मैं इसलिए ऐसे नॉर्मल बनाती हूँ चना डाल के साथ। ये देखिए चना दाल को मैंने धुलाई करके इसमें डाल दी हूँ, नमक और पानी देके इसका सीटी लगा देती हूँ। और ये देखिए लौकी पूरा बिल्कुल अच्छे से पक गया है और बहुत सॉफ्ट हो गया है, बस इसका तड़का लगाना बाकी है। अब वो थोड़े से मसाला के छूंक के साथ इसका तड़का लगाते हैं। और बुबू का पढ़ाई तो चल रहा है, एग्ज़ाम की वजह से वो थोड़ा पढ़ाई कर रहा है, कभी बैठता है खेलता है थोड़े से छोटे भैया के साथ और पढ़ाई करते रहता है, तो मैं खास उसको बोलती हूँ कि हमेशा पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो बच्चा छोटा है इतना क्या करेगा, वो तो भी बोर हो जाता होगा ना एक काम कर करके, तो वो भैया के साथ थोड़ा खेलता है, थोड़ा छत के ऊपर जाता है ऐसे करके पढ़ाई करता है उसका। और इधर मैं लगा दी छोंक
प्याज तेल दिया था तो उसमें जीरा सरसों दे दिया है और प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे डेली यूज वाले मसाले और ये देखिए थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। सब्ज़ी में घी डालने से उसका जो टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है और मुझे बच्चों को बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो ये हो गया हमारा सब्ज़ी तैयार, अब करते हैं मिलके लंच। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और बहुत टेस्टी भी है। तो इधर मैं सबके लिए लगा दी हूँ लंच, तो आ जाइए हमारे साथ लंच करने के लिए। तो हे फ्रेंड्स, अभी मैं आई थी छत के ऊपर, खाना खा रही थी, जस्ट बाहर दिख रहा था मुझे बारिश जैसे लगा, तो मौसम ऐसे कुछ है देखिए बारिश जैसा। तो मैं भाग के आई ऊपर कपड़े लेने के लिए, मैंने थोड़े से कपड़े उठाए और थोड़े से गीले हैं, अभी तक सूखे नहीं है और कोई बारिश नहीं हुआ है, थोड़े थोड़े ऐसे मतलब अंदर से लग रहा है कि बारिश हो रहा है। तो मैं भाग भाग के ऊपर आई, मेरी तो आज पोपट हो गया। मेरे बेटा ने बोला कि मामा बारिश हो रहा है, तो मैं भाग भाग के ऊपर आ गई हूँ कपड़े लेने के लिए और सब बर्तन वगैरह पड़ा है, जा रही हूँ साफ़ करूँगी। ऐसे ही मौसम रहेगा, शायद बारिश नहीं होगा अभी, तो कपड़े को रहने देते हैं, बादल ऐसे ही ढक के रहा है, बारिश नहीं हो रहा है। तो जो कपड़े नहीं सूखे हैं वो अभी सूख रहे हैं, जो सूख गए हैं उसको मैं नीचे लेके जा रही हूँ। तो चलते हैं नीचे और बाहर देखे कितना अच्छा लग रहा है, और ऐसे खुला आसमान के नीचे रहना बहुत अच्छा लगता है मुझे, सबको अच्छा लगता होगा शायद। तो चलो चलते हैं नीचे, थोड़ा सा बर्तन सब उठा के वो साफ़ करूँगी, फिर थोड़े से बच्चों को लेकर रेस्ट करूँगी, फिर शाम को बुबुन का एग्जाम होगा तो पढ़ाई करेंगे। अभी मॉर्निंग में भी थोड़ा सा उसने पढ़ाई किया था, तो कल होगा था उसका एग्जाम, तो पढ़ाई करेंगे शाम को, अभी घर चलते हैं। किचन में आ गई हूँ और जो खाना बचा था उसको मैंने रख लिया है, अब बर्तन को क्लीन करके उसके जगह पर लगा देती हूँ, फिर थोड़े से रेस्ट करेंगे, फिर शाम का जो काम हो शुरू हो जाएगा, बच्चों के साथ थोड़ी टाइम रेस्ट करूँगी। तो ये देखिए क्लीन हो गया बर्तन। तो अभी मैं शाम के अगरबत्ती कर रही हूँ और पीछे देखिए बुबू का स्टडी टेबल है और कॉर्नर में उसने उसका क्लॉथ को अच्छे से सजा के रखा है, तो यही दिख रहा है भगवान के सामने, उसका स्टडी टेबल मैंने लगा दिया है ताकि वो जब पढ़ाई करे उसमें थोड़ा सा मोरल सोच जो आए और भगवान के साथ रहता है तो उसको अच्छा लगता है। तो शाम को वो भी थोड़ा हनुमान चालीसा वगैरह पाठ करता है और बच्चे थोड़ा इस टाइम में, उसका भी 13 ईयर होगा तो इस टाइम में बच्चों को आध्यात्मिक होना अच्छा होता है, नहीं तो बच्चों को मन तो ऐसे भटकता रहता है, बच्चे क्या हमारा भी ऐसे ही भटकता रहता है, तो थोड़ा सा भगवान के पास आध्यात्मिक रहना अच्छा होता है और ये मेमोरी पावर को बहुत स्ट्रांग करता है, कंसंट्रेशन पावर को भी बहुत अच्छा रखता है। तो मेरी शाम का पूजा हो गई है, अभी स्नैक्स टाइम। कृष्णा को मुझे एप्पल पसंद है तो हम खा रहे हैं, उसको पसंद नहीं है, कोई भी फ्रूट उसको पसंद नहीं है। तो अभी हम आ गए पढ़ने के लिए। बुबू का कल एग्जाम होगा, कल जो पेपर होगा अभी मैं उसको पूछूंगी। कल क्या है बुबू? जीके मोरल साइंस। कल उसका जीके मोरल साइंस है, उसने लर्न कर लिया है, अब मैं उसको पूछती हूँ। ऑनलाइन एग्जाम होगा और सब क्वेश्चन आंसर मोबाइल में है, बुबू ने उसको नोटबुक में लिखा है पर मोबाइल में मुझे क्लियर दिखता है, इसका राइटिंग थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो अपने मोबाइल से ही उसको पूछती हूँ। How many players are in the soccer team? 11. Okay. Seeds are made by? Plants. Beijing is the capital of which country? China. Which year did Indian Premier League matches start? 2008. Say loudly. 2008. Name India's first woman Prime Minister? Indira Gandhi. Venice is the capital of? Austria. Telescope was invented by Galileo. How many carats is the purest gold? 24 carats. Who is the father of computer? Charles Babbage.
Which city is also called as a pink city in India? Jaipur. Biggest planet of the solar system? Jupiter. Who said, I have not failed, I have just found 10,000 ways that cannot work? Thomas Edison. Which is the longest river in the world? River Nile. Which is the largest island in the world? Greenland. तो डिनर में ये सुबह का सब्जी रह गया है, ज़्यादा बना दिया था मैंने, जो चने डाला और लौकी का सब्जी, और उसके साथ मैंने रोटी बना लिया है। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ डिनर करने के लिए। फ्रेंड्स अभी आ गई हूँ मैं रेस्ट करने के लिए, तो आज का ब्लॉग को इधर एंड करती हूँ। आप लोगों के साथ मिलूंगी और एक न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।